ओबीसी में जैसे कहते हैं कि यादव सारा आरक्षण ले गए, शेड्यूल कास्ट में कहते हैं चमार सारे आईएएस अफसर बन जाते हैं, हमारा कोई नहीं बनता, एसटी में कहते हैं कि मीणाओं ने ही सब कुछ कब्जा कर लिया, बाकी को कुछ नहीं मिला, तो ये क्या जेन्युइन मांग है, क्या ऐसा हो रहा है? इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है। जब आप शेड्यूल कास्ट का गिनती करते हैं, कास्ट के हिसाब से गिनती करते हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डेटा किसी के पास नहीं है कि इस कम्युनिटी ने खा लिया और उस कम्युनिटी ने खा लिया। कि अगर कुछ लेफ्ट आउट लोग हैं, कुछ छूट गए हैं हमारे आरक्षण के दायरे से, भले ही वो अभी तक मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पाए, तो ये तो नोबल आइडिया कि उनको दिया जाए। 16-4 में यदि शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं आते हैं तो स्टेट का पावर ही नहीं लागू होगा, नहीं कर सकते आप। तो जब जो कम्युनिटी खुद कह रही है कि हमको फायदा नहीं मिला, तो वो उनके पास भी तो कुछ आता है। वो कब कह रही थी? तो जैसे हरियाणा पंजाब में धानक कम्युनिटी होगी, सिकलीगर होगी, सासी कम्युनिटी होगी, बाजीगर कम्युनिटी होगी, वो अभी भी मतलब आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो पीएचडी जिन्होंने किया है, जो कहीं पे बड़े अफसर बन गए हैं, वो देखने को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। तो जो पीछे छूट गए हैं आप, मतलब अगर हम कम्युनिटी वाइज भी देखें तो बड़े भाई की भूमिका नहीं निभानी चाहिए? जिनकी संख्या ज्यादा है सोसाइटी में, जैसे चमारों की संख्या ज्यादा है, मालाओं की संख्या यदि ज्यादा है तो उनके ज्यादा लोग दिखेंगे। तो कोर्ट ने ऐसा कोई डेटा नहीं मांगा क्योंकि पंजाब उनके पास डेटा नहीं है? इट इज नॉट ऑन द डेटा, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग बाय द डेटा, सुप्रीम कोर्ट सेड वेदर यू हैव अ कॉम्पिटेंस टू डू इट और नॉट। लेकिन ये मांग जायज है कि नहीं, क्या सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनको बेनिफिट मिलेगा क्या? क्योंकि 70 सालों से यदि उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आला पैसे उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा क्या? और जिन लोगों के लोग आरक्षण नहीं खा रहे हैं वो सब लोग पार्लियामेंट में मेंबर हैं और उन कम्युनिटीज के मेंबर हैं, और आप देखेंगे कि वो लोग मिनिस्टर बनते हैं, वो लोग एमएलए बनते हैं, वो एमपीज बनते हैं। तो इस कम्युनिटी ने क्या ये बोलना चाहिए कि वो लोग तो पार्लियामेंट में जाते हैं, तो दैट मींस तो ये क्रीमी लेयर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है कि सारा का सारा डिबेट आगे चल के। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब इंदिरा साहनी की प्रॉब्लम है, इस केस में फैसला क्या आने वाला है, कुछ प्रेडिक्शन आपकी कि किस तरफ माहौल है? आर्ग्यूमेंट्स तो आपने देखे होंगे, बाकी का भी सुना होगा। स्टेट गवर्नमेंट को है वो आरक्षण लागू करने की बात है। जय भीम, स्वागत है आपका हमारी इस खास मुलाकात सीरीज में। क्या दलितों के आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए? आसान भाषा में इसका मतलब ये है कि क्या दलितों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाले आरक्षण में कोई वर्गीकरण होना चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि एससी का जो फायदा है वो चमार ले गए और एसटी का जो फायदा है वो मीणा ले गए, और इस तरह की बातें की जाती हैं, दावे किए जाते हैं कि चंद जातियाँ ही आरक्षण का सारा फायदा ले गई हैं, जबकि जो दूसरी जातियाँ हैं, जो वंचित जातियाँ हैं, उनको इसका फायदा नहीं मिला। इसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा खटखटाया गया। इस समय देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर सुनवाई चल रही है और कोर्ट जो है इस पर जल्द फैसला सुनाने वाला है कि क्या एससी की जो लिस्ट है उसमें उपवर्गीकरण यानी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। 7 जजों की संवैधानिक पीठ है, एक बड़ी बहस इसको अपने आप में माना जा रहा है जो आने वाले दिनों में एससी और एसटी के आरक्षण को हमेशा के लिए बदल देगी। इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील नितिन मेश्राम साहब ने 7 जजों की बेंच के सामने अपने तर्क दिए। इनका आर्ग्यूमेंट जो है वो कोर्ट ने सुना और एक ऐसा आर्ग्यूमेंट ये लेकर आए हैं जिसके बाद इस पूरे केस का रुख भी बदल सकता है। तो ये क्या आर्ग्यूमेंट है और क्या दलितों के आरक्षण में बंटवारा होना चाहिए, इस बात पर, इस पूरे मसले पर विस्तार से बात करेंगे हम। तो बहुत बहुत स्वागत है वकील साहब। थैंक यू सो मच। अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। अभी जो मैं आपकी वीडियो देख रहा था सोशल मीडिया पे, एक वीडियो क्लिप आप लोगों ने शेयर की जिसमें करीब 10 मिनट आप जो हैं आप आर्ग्यूमेंट देते हैं कि ये सब क्लासिफिकेशन नहीं होना चाहिए, और आप लॉजिक देते हैं कि जो 416 जो संविधान का आर्टिकल है वो दरअसल बाद में आया है और शेड्यूल कास्ट के जो लिस्ट थी वो पहले से तैयार हो चुकी थी, इसलिए ये पूरा का पूरा मसला अलग हो जाता है। तो इस आर्ग्यूमेंट को आप कैसे फ्रेम करते हैं और क्या इसके पीछे आप तर्क देख रहे हैं? जो स्टेट्स हैं जो शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को बाइफर्केट करना चाहते हैं वो स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। जैसे आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में वो हारे थे, स्टेट्स जीते थे, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे। वो हम लोग 2004 में हमारे फेवर में जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो जिसमें जो लीड पिटिशनर था
मल्लेला वेंकटा राव, मैं उसका वकील हूँ सुप्रीम कोर्ट में, जो 2004 में लीड पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट के सामने था, और वो आंध्रा में भी लीड पिटिशनर था। प्रॉब्लम वहां से शुरू हुई है आंध्रा से, फिर तमिलनाडु में चली गई, फिर पंजाब में आ गई। तो ये जो बाइफरकेशन है, बाइफरकेशन के लिए स्टेट्स कह रहे हैं कि 16 क्लास 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक प्रोविजन है जिसमें एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन नाम का एक टर्म है, एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन। उस बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को जब हम आरक्षण देते हैं तो हम लोग अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं। आप देखेंगे कि जो पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को है वो आरक्षण लागू करने की पावर है, और उन लोगों को जो है एक शेड्यूल 7 लिस्ट 2 एंट्री 25 में पब्लिक सर्विसेज नाम का एक एंट्री है। सो व्हेन यू इंप्लीमेंट द पब्लिक सर्विसेज दैट एंट्री अपॉन, तो फिर जो है आपको एक इनकॉम्पिटेंस मिल जाता है कि आप उसमें किस तरह से अपनी सर्विसेज में लोगों की भर्ती करें। तो कह रहा है कि हम जब शेड्यूल कास्ट को भर्ती कर रहे हैं तो वी आर अबाउट टू लुक इनटू द पीपल हु आर लेफ्ट आउट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी। तो उनका कहना है कि शेड्यूल कास्ट में जो कुछ लोग हैं दे हैव बीन लेफ्ट आउट, उन लोगों का सोसाइटी में कुछ नहीं है और बहुत कम लोग उनके आते हैं, उसकी वजह से जो है हमारा अधिकार 16-4 में आता है। और उनका कहना है कि एंट्री 25 में रीड विद आर्टिकल 246 में उनको को एक्सटेंसिव पावर है, आर्टिकल 163 नाम का एक प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 163, 246 और एंट्री 25 देखेंगे तो उनका कहना है कि आइदर एग्जीक्यूटिव और द लेजिस्लेटिव एक्शन से हम लोग ये कर सकते हैं, हम उसके लिए ऑर्डिनेंस भी 213 में वो लेके आ सकते हैं। तो उसका कहना है कि हम लोगों को इस एंट्री को बाइफरकेट करने का पावर नहीं है, बिकॉज दैट पावर कैन ओनली बी एक्सरसाइज बाय द पार्लियामेंट। हम बाइफरकेट नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग जब सर्विसेज में किसी को आरक्षण दे रहे हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि मोस्ट बैकवर्ड को हम दें। सो वी फाउंड दैट देयर आर मोस्ट बैकवर्ड विद इन द एससी कम्युनिटीज, उन लोगों को ये आरक्षण जाना चाहिए। और उसकी वजह से हम लोगों को वो पावर है, 16-4 में हम लोगों को पावर है। दैट होल थ्रस्ट ऑफ द आर्गुमेंट इज दैट वी हैव ए पावर। तो स्टेट अपने हिसाब से उसमें सब क्लासिफिकेशन भी नहीं कर रहे, वो कह रहा है कि वी आर नॉट इवन डूइंग द सब क्लासिफिकेशन, व्हाट वी आर गिविंग इज द एग्जैक्ट बेनिफिट टू द पीपल हु आर इन द एससी लिस्ट इटसेल्फ। हम लोग उनको बाहर के लोग नहीं लेके आ रहे, हम लोग एससी लिस्ट में जो लेफ्ट आउट है। बट ये तो नोबल आइडिया है ना कि अगर कुछ लेफ्ट आउट लोग हैं, कुछ छूट गए हैं हमारे आरक्षण के दायरे से ही, भले ही वो अभी तक मुख्य धारा में नहीं शामिल हो पाए, तो ये तो नोबल आइडिया है कि उनको दिया जाए। फिर इस बात का इस पे विवाद, मैं उसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूं। वी आर नॉट अगेंस्ट इट, इफ यू वांट टू गिव इट टू देम वी आर नॉट अगेंस्ट इट, बट डू यू रियली हैव अ पावर टू डू दैट। हमारा मेरा सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट था कि लेट अस अज्यूम दैट दे हैव कॉम्पिटेंस अंडर 16 क्लास 4, उन लोगों को कॉम्पिटेंस है और वो इस तरह से कर सकते हैं 16-4 में। क्या वो शेड्यूल कास्ट के लोग 16-4 में आते हैं? 16-4 में यदि शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं आते हैं तो स्टेट का पावर ही नहीं लागू होगा। तो जब स्टेट का पावर नहीं लागू होगा तो हाउ विल यू बाइफरकेट देम, हाउ विल यू रिक्लासिफाई, हाउ विल यू सब क्लासिफाई, है ना? How will you give them the preference to certain communities only? नहीं कर सकते आप। तो हमारा ये argument है कि 16-4 में जो है शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं आते, लेकिन 1961 में और फिर 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने, और 1961 से लेकर 1992 तक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ जजमेंट्स दिए हैं, लेटर ऑन आल्सो नागराज जजमेंट आया, सबसिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आई है, उसमें उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस जो है उसमें एससी एसटी भी इंक्लूडेड है। हम लोगों ने कहा कि ये सारे जजमेंट गलत है और इस सारे जजमेंट्स को आपको रिविजिट करना पड़ेगा। यही मेरा चीफ जस्टिस ने तभी तो बोला कि फिर तो हमको सारे के सारे ये फैसले जो है बदलने पड़ जाएंगे जो अब तक है। आप देखेंगे कि प्लेसी वर्सेस फर्गुसन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था वहाँ यूएस में, वो 1898 का था, उसके 1896 का होगा, हो सकता है उसके 58 सालों बाद उन्होंने जो है प्लेसी वर्सेस फर्गुसन को ओवररूल किया और कहा कि प्लेसी वर्सेस फर्गुसन वाज रॉन्गली सेटल्ड एंड यू नो द इक्वल यू नो द सेपरेट्स आर नेवर इक्वल, है ना? तो उन्होंने ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन में उसको ओवर रूल किया। सो आई टेल यू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आर नेवर परमानेंट।
The text of the constitution is permanent. Mm, you should go by the text of the constitution. Your interpretations will come and go. But we should go by the constitution. Judgments are not permanent. So, हमारा ये कहना है कि बाबा साहब अंबेडकर बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे थे और उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के सामने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस 1932 के बीच में तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई. बाबा साहब अंबेडकर वहाँ गए और बाबा साहब अंबेडकर के साथ में जो है बहुत सारे दलित समुदाय के नेता थे जिसमें राव बहादुर आज श्रीनिवासन थे और उन लोगों ने जो है एक मेमोरेंडम सबमिट किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को और उसमें उन्होंने कहा था कि वी हैव टर्म्स एंड कंडीशंस. वो हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस है और उस समय देश का संविधान बनना ये तय हुआ था. तो उन्होंने कहा था कि व्हेन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विल बी फ्रेम्ड ऑफ ए फ्री इंडिया तो उस समय हम लोग इस टर्म्स एंड कंडीशंस के आधार पर ही मेजॉरिटी गवर्नमेंट के साथ में जाना चाहेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं जाना चाहेंगे. तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट चार इम्पॉर्टेंट कंडीशंस थी कि अनटचेबिलिटी का सत्यानाश होना चाहिए, मतलब उसको जल से समोन्मस्त करना चाहिए. उसके ऊपर डिबेट है बाबा साहब का. बाद में पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो आर्टिकल 330 और 332 में आज आया हुआ है और वो ऑलरेडी हम लोगों को जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है वो 1935 एक्ट से ही मिला हुआ है. और सर्विसेज में जो है हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मतलब रिजर्वेशन और एजुकेशन रिजर्वेशन, ये जो है चार डिमांड बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट. और ब्रिटिश सरकार ने ये चारों डिमांड उसी समय फुलफिल किया था. When the constitution was being drafted, तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनना था संविधान का. तो फर्स्ट ड्राफ्ट बनने के पहले ही फर्स्ट ड्राफ्ट तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स जो लोग थे कर्मचारी थे जो संविधान सभा के उन लोगों ने एक फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया था 22ली. ऑब्वियसली थी ये जो सभा के लोग थे उन लोगों की मर्जी से ही वो फर्स्ट ड्राफ्ट बनाया गया था. उनके पायलट किया था उन्होंने बट दे वेर कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर्स तो पूरे दुनिया भर में ट्रैवल कर रहे थे एंड दे वेर एग्जामिनिंग व्हाट कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है. तो उसमें आप देखेंगे कि जुलाई 1947 में इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस वाज डिक्लेयर्ड, दिस इज वेरी समथिंग वेरी पेक्यूलियर. ये इससे आगे मैं एक क्लू दूंगा कि 1947 जुलाई में ही 25 जुलाई 1947 में ही बाबा साहब अंबेडकर जो माइनॉरिटी सब कमिटी थी उसमें पटेल भी थे मतलब और बाबू जी भी थे बाबू जगजीवन राम. तो ये माइनॉरिटी सब कमेटी की जो एक माइनॉरिटी सब कमेटी जो थी वो एडवाइजरी कमेटी थी उसकी एक सब कमेटी थी. उसमें एक डिसीजन हुआ था कि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन देना है कि नहीं देना है जी. तो उसमें तीन इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुआ है. पहला डिस्कशन ये हुआ है कि शेड्यूल कास्ट को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना है क्या. यस वोटिंग हुआ है यस देना है. फिर दूसरा पॉलिटिकल रिजर्वेशन. फिर शेड्यूल कास्ट को सर्विसेज में रिजर्वेशन देना है क्या. तो उसमें दो चीजें थी कि जो सर्विसेज जिसमें कॉम्पिटिशन नहीं होता जो डायरेक्टली ऐसे भरी जाती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कि आपके पास परसेंटेज है इतने आप इतने परसेंटेज में आते हैं तो आपका आपका जो है यू आर एलिजिबल डीम्ड टू बी एलिजिबल सो यू आर इन विद इन दैट ब्रैकेट तो आपको भर दिया गया. तो उसके लिए सब लोगों ने कहा कि 16 वोट हमारे फेवर में एक वोट हमारा अगेंस्ट है. तो 16 वोटों से हम जीत गए हैं उसमें. फिर दूसरा क्वेश्चन ये आया कि शेड्यूल कास्ट को उसमें आपको कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन से जैसे यूपीएससी है पब्लिक सर्विस कमीशन है उससे जब सर्विसेज भरी जाएगी नौकरियां दी जाएगी उसमें भी आरक्षण होगा क्या. उसमें हम लोगों को 5 वोट कम मिला है. हम लोग 11 वोट से जीते हुए हैं 11 वोट मिला है और 6 वोट हमारे अगेंस्ट में है. तो हम लोग वहां सेटल हुआ है. एंड देन आई टेल यू कि जब फर्स्ट ड्राफ्ट बना उसके बाद में फर्स्ट ड्राफ्ट बना और जब उसके बाद में फर्स्ट ड्राफ्ट बना तो दैट केम इन द फर्स्ट ड्राफ्ट इटसेल्फ कहा कि आर्टिकल उस समय आर्टिकल 326 था. जो फर्स्ट ड्राफ्ट आर्टिकल 226 था जिसको आज 335 कहते हैं 335 कहते हैं उसमें पहली बार ये आया कि एससी एसटी एससी को और एसटी को भी माइनॉरिटी के फॉर्म में रिजर्वेशन आया. तो उस समय जो है जो एससी की लिस्ट है वो शेड्यूल 10th में हुआ करती थी और एसटी की लिस्ट शेड्यूल 11 में हुआ करती थी और 226 में उन्होंने कहा था कि एससी एसटी को रिजर्वेशन माइनॉरिटी के इसमें माइनॉरिटी इसमें दिया था. उन्होंने जो शेड्यूल कास्ट का डेफिनेशन है
वो ऑलरेडी 1935 एक्ट के जो एक्ट में शेड्यूल दिया शेड्यूल वन में है उसमें उसमें से उठाया है। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है 48 में, अगस्त 48 में दूसरा ड्राफ्ट बनाया जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया बाबा साहब के नेतृत्व में। तो उस ड्राफ्ट में बाबा साहब अम्बेडकर ने दो इंपॉर्टेंट चीजें की। पहला एक इंपॉर्टेंट चीज ये किया कि 335 जो है, 335 में उन्होंने संविधान में लिखा, और 335 संविधान में लिखा, लेकिन उस समय तक एक बड़ी डेवलपमेंट देश में हुई थी कि माइनॉरिटी जो कम्युनिटीज थी, जैसे मुस्लिम्स है, सिख्स है, पारसीज है, एंग्लो इंडियंस है, ऐसी 7 कम्युनिटी देश में थी जिनको आरक्षण पॉलिटिकल और सर्विसेज में आरक्षण दिया गया था। लेकिन पारसी कम्युनिटी, सिख कम्युनिटी और मुस्लिम समुदाय, ये लोग सरदार पटेल के पास गए, वो उस कमिटी के सब कमिटी के चेयरमैन थे, उनके पास गए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उनके पास गए और उन्होंने कहा कि हम लोग इस आरक्षण को छोड़ देते हैं। तो सरदार पटेल कहा कि ठीक है, आप ये आरक्षण को छोड़ देना चाहते तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने छोड़ दिया आरक्षण। आरक्षण छोड़ने के बाद मामला जो है ये ले, सरदार पटेल ने एक लेटर लिखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन को जो राजेंद्र प्रसाद थे, उनको, प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा कि ये आरक्षण छोड़ना चाहते हैं, तो माइनॉरिटी की 6 कम्युनिटी छोड़ रही है, पारसी, सिख, जैन, एंग्लो इंडियन, से जो 6 कम्युनिटीज है उन्होंने उसको वॉलंटरीली गिवन अप किया, क्योंकि उनका कहना है क्या कि हम मेन मेन स्ट्रीम लाइफ में रहना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम लाइफ में रहना चाहते हैं। सेवरल कंसीडरेशंस मस्ट बी देयर, आई टेल यू, तो ये कंसीडरेशन नहीं होगा, पर्सनल लॉज की डिमांड रखी थी, बहुत सारी कंसीडरेशंस हो सकते हैं, तो हम छोड़ देंगे, उनका क्योंकि पार्टीशन का टाइम था, उनको नहीं लग रहा होगा कि हम लोग एक माइनॉरिटी की तरह जिए, दैट काइंड ऑफ थिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्होंने छोड़ दिया। जब ये मामला, फिर इन्होंने कहा कि जब इन लोगों ने छोड़ दिया है, तो पटेल ने एक लेटर लिखा कि इसीलिए आर्टिकल 335 में सूटेबल अमेंडमेंट किया जाए। तो जब ये सूटेबल अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट के सामने आया, तो पार्लियामेंट के सामने जब सूटेबल अमेंडमेंट के लिए आया, तो उस समय पटेल का एक लंबा भाषण हुआ है 335 के ऊपर, एक लंबा भाषण है, और पटेल को सिखों ने एक आरोप लगाया कि आप हमारे साथ धोखा कर रहे हैं, और धोखा किस लिए कर रहे हैं कि आप हमारे साथ, आपने हमको बोला कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन हम छोड़ रहे हैं, और आपने एज्यूम कर लिया कि हम सर्विसेज में आरक्षण छोड़ रहे हैं, हम तो सर्विसेज में आरक्षण छोड़ नहीं रहे हैं। तो पटेल ने एक लंबा भाषण किया और हुकुम सिंह को बहुत उन्होंने डांटा है उसमें, और कहा है कि आप इस तरह से धोखेबाजी मत कीजिए, आप मानते हैं आपकी वजह से पार्टीशन हुआ है, उन्होंने कहा कि सिर्फ सिखों की वजह से पार्टीशन हुआ है, आप हमारे पीछे पड़े थे कि पार्टीशन कीजिए करके, और आप हमको धोखेबाजी बता रहे, आपने हमारे साथ धोखा किया है, बहुत बातें किया उन्होंने, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट बात कहा कि उनका कहना यह था कि आप मेरे पास आए और कहा कि हम लोग ये आरक्षण छोड़ना चाहते हैं, और एक बात आपने हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज किया कि आप हमारी कुछ जातियां, पूरे धर्म को नहीं, कुछ जातियां जो 3-4 जातियां थी, जैसे सिल्कीगर वगैरह जातियां हैं, उन लोगों को आप शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में डाल दीजिए। इस बात को लेकर मैं जो दलितों के प्रतिनिधि थे उन लोगों को मनाया, वो मानने को तैयार नहीं थे, वो बिल्कुल रेडी नहीं थे इस चीज के लिए। तो उस कमिटी में जो है बाबा साहब थे, बाबूजी भी थे, ठीक है, तो मुनिस्वामी पिल्लई थे, तो उन लोगों को मैंने मनाया, और बहुत मनाने के बाद वो माने राष्ट्रहित में, और आपकी 3-4 कम्युनिटी को हमने शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया, उसके बाद में आपने छोड़ा है। ये पटेल ने एक लंबा भाषण करके बताया उन लोगों को। तो उसके बाद में अमेंडमेंट को रीओपन किया उस आर्टिकल को, और ये सवाल डिस्कस किया गया कि सिखों को और मुसलमानों को भी सर्विसेज में आरक्षण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो उसमें उसको जो है संविधान सभा ने फिर उसको खारिज किया। तो जब सबका खारिज हो चुका था, सिर्फ एससी का नहीं हुआ था खारिज, तो उसकी वजह से 335 आर्टिकल जो है वो माइनॉरिटी शब्द था उसमें, तो जब एक ही कम्युनिटी थी तो उसकी वजह से उन्होंने शेड्यूल कास्ट की कम्युनिटी को रिप्लेस कर दिया कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल माइनॉरिटी को रिप्लेस करके शेड्यूल कास्ट कर दिया। तो हमारा आरक्षण वहां से है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यह है कि जब ये हो रहा था, तो ये जो बैकवर्डनेस वाला जो है, ये अमेंडमेंट हुआ है, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ कि जब बैकवर्डनेस, जब ये 16-4 उसके बाद में बनी है, तो जब बाबा साहब सेकेंड ड्राफ्ट बना रहे थे, तो 16-4 जो आर्टिकल है उसका नंबर था 10-3। तो 10-3 में जो है, जब पहला ड्राफ्ट आया था, तो उसमें उन्होंने स्पेसिफिकली एनी क्लास ऑफ सिटीजन लिखा था, एनी क्लास ऑफ सिटीजन,
आर्टिकल 16 में, 16-4 में आरक्षण किसी को देना एनाइबलिंग पावर के तौर पर, वो फंडामेंटल राइट नहीं है, एनाइबलिंग पावर है। स्टेट चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं दे सकता है। तो वो आर्टिकल 16(1) वो एक्सेप्शन है कि स्टेट चाहे तो किसी के फेवर में इस तरह का कर सकता है, दैट विल नॉट हिट बाय आर्टिकल 16 क्लास 2। तो ये जो जब आया बाबा साहब ने जब ड्राफ्ट बनाया, तो उसमें स्पेसिफिकली बैकवर्ड वर्ड डाला, एनी के और बैक, एनी क्लास के बीच में, एनी और क्लास के पहले बैकवर्ड वर्ड डाला, बैकवर्ड तो एनी बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स। इसके ऊपर बहुत विवाद हुआ कॉन्स्टेंट असेंबली में। मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा विवाद जिस चीजों पे हुए उसमें से ये एक आर्टिकल है, और उसमें उन्होंने सवाल पूछा कि हम लोगों ने तो SC ST को तो आरक्षण दे दिया है, तो ये बैकवर्ड क्या है। तो चंद्रिका राम नाम के एक बड़े संविधान में सभा में मेंबर थे बिहार से, उन्होंने कहा कि ये बैकवर्ड जो शब्द है वो आप लोग समझ नहीं पा रहे। ये बैकवर्ड शब्द, उनकी भाषा में बता रहा हूं, उन्होंने कहा है कि ये बैकवर्ड शब्द जो है वो त्रिवर्णिक वर्ण व्यवस्था के, त्रिवर्ण के लोगों के नीचे और हरिजन के ऊपर, उन्होंने हरिजन वर्ड कहा है इसलिए बोल रहा हूँ कि उन्होंने क्या, हरिजन के ऊपर और ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य के नीचे जो लोग हैं वो है बैकवर्ड। तो वो बेसिकली शूद्रों को कह रहे थे, शूद्रों को कह रहे, शूद्रों को आज कह रहे थे, ओबीसी समझ लीजिए। आप उसको ओबीसी समझ सकते हैं, शूद्रों को कह रहे थे। तो हमारे लोगों का आर्गुमेंट यह है कि बैकवर्ड, बाबा साहब ने फिर उसके ऊपर स्पीच किया और उन्होंने कहा कि बैकवर्ड जो है वो कौन है वो स्टेट ही डिसाइड करेगा, ओके ओके हम लोग बट वी आर नॉट स्टेट आइडेंटिफाई, वी आर नॉट आइडेंटिफाई हु विल बी द बैकवर्ड कम्युनिटीज, हु विल बी द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस, दैट हैज टू बी आइडेंटिफाइड बाय द स्टेट। तो मैं बस अपने दर्शकों को आसान भाषा में समझा दूं, वकील साहब कह रहे हैं कि शेड्यूल कास्ट को बाबा साहब ने पहले ही सेटल कर दिया, और जो बैकवर्ड शब्द आया है वो स्टेट पर छोड़ दिया कि वो अपने वहां के हिसाब से देखें कि कौन सी पिछड़ी जातियां पिछड़ गई हैं, उनको उसके हिसाब से वो आरक्षण दे सकते हैं। लेकिन वकील साहब, ये तो हिस्ट्री हुई ना, ये हिस्ट्री है, लेकिन अभी कम्युनिटी में ये भावना है कि शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो है वो चंद जातियां ले रही हैं, शेड्यूल ट्राइब का आरक्षण चंद जातियां ले रही हैं। ओबीसी में जैसे कहते हैं कि यादव सारा आरक्षण ले गए, शेड्यूल कास्ट में कहते हैं चमार सारे आईएएस अफसर बन जाते हैं, हमारा कोई नहीं बनता। एसटी में कहते हैं कि मीणाओं ने ही सब कुछ कब्जा कर लिया, बाकी को कुछ नहीं मिला। तो ये क्या जेन्युइन मांग है, क्या ऐसा हो रहा है, कुछ तथ्य कोर्ट में दिए गए हैं क्या? द मोस्ट फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि इसके ऊपर कोई डेटा नहीं है। जब आप शेड्यूल कास्ट का गिनती करते हैं, कास्ट के हिसाब से गिनती करते हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डेटा किसी के पास नहीं है कि इस कम्युनिटी ने खा लिया और उस कम्युनिटी ने खा लिया। अभी एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ कि 2016 और 17 में ये हमारे देश में एक शेड्यूल कास्ट की एक लड़की देश में टॉप किया था UPSC में, टीना डाबी। टीना डाबी, टीना डाबी। आप मुझे बताइए, कोई एक चमार कम्युनिटी से, कोई ये माला कम्युनिटी से, कोई महार कम्युनिटी से, कोई एक व्यक्ति हो जिसने टॉप किया हो यूपीएससी के थ्रू, और उनके पूरी फैमिली में दो लड़की आईएएस है, दोनों लड़कियां, तो आप वो तो चमार जाति से नहीं है। तो डेटा हम लोगों के पास कहाँ है? हम लोगों के पास डेटा नहीं है जिसके आधार पर हम प्रूव कर रहे हैं। तो डेटा बताएगा, सपोज इन केस कि अभी कई सारी कम्युनिटीज है, 91 के बाद में क्या हुआ, 91 के बाद में इस देश में जैसे ग्लोबलाइजेशन आया, ग्लोबलाइजेशन ने इस देश में आई थिंक अराउंड 3 बिलियन पीपल, 3 बिलियन पीपल को गरीबी से बाहर निकाला है, और ये सारे जो लोग हैं उसमें से मेजॉरिटी पीपल इंडिया में है। तो 91 के बाद में ये फिनोमिना बदल गया है, और ये जो स्टेट जो लोगों लोग डेटा लेकर आ रहे हैं वो 2000 का डेटा है, जो पुराना डेटा 2000 का डेटा है। उसके बाद में आप रेशियो देखिए, उसमें जो ये कम्युनिटी जो पीछे छूट गई थी वो आज आरक्षण के क्षेत्र में आगे निकल रही है। लेकिन अब जैसे तेलंगाना में मडीगा कम्युनिटी है, मडीगा कम्युनिटी ने पूरा सरकार को, वो लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि हमको जो है अलग से इसमें सब क्लासिफिकेशन में डालो, क्योंकि सारा आरक्षण दूसरी कम्युनिटी को मिल रहा है, हमारी आबादी ज़्यादा है फिर भी हमको नहीं मिला। और अभी आप देखिए कि मोदी सरकार ने सेक्रेटरी लेवल पर कमेटी बनाई है कि वो मडीगा के आरक्षण को, क्या उसमें सब क्लासिफिकेशन हो सकता है उसकी, वो अभी पड़ताल कर रहे हैं। तो जब जो कम्युनिटी खुद कह रही है कि हमको फ़ायदा नहीं मिला, तो वो उनके पास भी तो कुछ आधार वो होगा कब ना? कह रही थी वो कम्युनिटी, कह रही थी 95 के बाद में, 99 में जब वहां सरकार बनी, उसका एक बहुत पेकुलियर सिचुएशन है। आप देखेंगे कि आज का जो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, ये पहले एक नहीं थे,
बाद में 1950 के बाद एक हुए। तो आज का जो तेलंगाना है वो प्रदेश हुआ करता था मद्रास प्रांत में, मद्रास प्रांत का मतलब प्रोविंसी का एरिया हुआ करता था, वह ब्रिटिश एजुकेशन था, इंग्लिश एजुकेशन था, ब्रिटिश राज था। और आज का जो प्रदेश तेलंगाना है उस पर हैदराबाद निजाम का राज था, वो उर्दू मीडियम एजुकेशन था। तो जब 1950 में जब ये दोनों को तेलुगु स्पीकिंग एरिया करके, क्योंकि हमारे देश में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का चलन आया, तो उन्होंने कहा कि सारे भाषा एक बोलने वाले लोगों को एक जगह पे रखा जाए, तो उन्होंने आंध्र प्रदेश को काट कर मद्रास प्रोविंसी से तेलंगाना से जोड़ दिया और उसका आंध्र प्रदेश नाम दे दिया। आंध्र प्रदेश में हुआ क्या कि जब इंग्लिश एजुकेशन वाले वो लोग थे उस एरिया में, माला कम्युनिटी बहुत बड़े डोमिनेंट लोग है, जी जनसंख्या ज्यादा है, और तेलंगाना में जो है मादिगा कम्युनिटी डोमिनेंट है संख्या के मामले में, उनका 12% से ज्यादा शेयर है स्टेट के पॉपुलेशन में। तो वो कम्युनिटी जब इंग्लिश एजुकेशन लागू हुआ पूरे स्टेट में 1950 के बाद में, इंग्लिश एजुकेशन से वो जो दुनिया चल रही थी, अंग्रेजी को वैल्यू आ गया, तो जो मादिगा कम्युनिटी उर्दू में पढ़ाई कर रही थी वो बैकवर्ड हो गई, वो कंपटीशन में सस्टेन नहीं कर पाई। और वो ब्रिटिश राज में वो लोग थे, वो इंग्लिश एजुकेशन लिए थे, वहाँ प्रोग्रेसिव स्टेट था और ये रिग्रेसिव स्टेट था, उसकी वजह से वो आगे निकल गए। तो जो गैप थी वो बेसिकली रीजनल जो डिस्पैरिटीज है उसकी वजह से गैप आई थी। लेकिन जब उन्होंने 95 में डिमांड करना शुरू किया, तो 99 में ये प्रकरण स्टेट ने उठाया, उस समय चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर थे। चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया कि ये कम्युनिटी हमारे साथ में आती है, पूरी मादिगा कम्युनिटी जिसका 12% वोटिंग है, उसके फेवर में उन्होंने कर दिया, 7% आरक्षण दे दिया, माला को 6% आरक्षण दे दिया, और दूसरे दो कम्युनिटीज थे उसको 1-1% आरक्षण दे दिया। उसको जब हाईकोर्ट ने अलाउ किया उसके बाद में अभी 24 साल बीत गए हैं, 24 साल बीत गए, और मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे खास दोस्त मादिगा कम्युनिटी से अंबेडकर राइट है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में मेरे साथ में आए थे। हाँ, अच्छा मेरे साथ में मादिगा कम्युनिटी के जो प्रोफेसर है अंबेडकर राइट और दिल्ली उस्मानिया यूनिवर्सिटी के लॉ डिपार्टमेंट के HOD है, वो हमारे साथ कोर्ट में मेरे साथ में उस दिन थे, वो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इससे तो मादिगा का लॉस हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि 6% में मादिगा को क्यों समाविष्ट कर रहे हैं जबकि हमारे पास 15% होना चाहिए। सो दैट मीन्स द सिचुएशन हैज चेंज्ड। और ये 91 के बाद में देश में जो ग्लोबलाइजेशन आया है और जो मार्केट इकोनॉमी आई है उसकी वजह से इन जातियों ने एकदम लीड लिया है। लेकिन कई जातियां ऐसी हैं वकील साहब, देखिए हम क्योंकि सामाजिक तौर पे देखें तो जैसे हरियाणा पंजाब में धानक कम्युनिटी होगी, सिकलीगर हो गई, सासी कम्युनिटी होगी, बाजीगर कम्युनिटी होगी, वो अभी भी मतलब आपको बहुत कम ऐसे लोग मिलेंगे जो PhD जिन्होंने किया है, जो कहीं पे बड़े अफसर बन गए हैं, वो देखने को उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। तो जो पीछे छूट गए हैं आप, मतलब अगर हम कम्युनिटी वाइज भी देखें तो बड़े भाई की भूमिका नहीं निभानी चाहिए कि छोटा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली आप मुझे बताइए कि देश में जो शेड्यूल कास्ट है उसमें कुछ छोटी कम्युनिटीज है संख्या में और कुछ कम्युनिटी संख्या में बहुत बड़ी है। अब जब ऑफिस में आप जाएंगे तो यदि 15 वहाँ शेड्यूल कास्ट के लोग दिखाई दे रहे हैं, तो जिनकी संख्या ज्यादा है सोसाइटी में, जैसे चमारों की संख्या ज्यादा है, मालाओं की संख्या यदि ज्यादा है, तो उनके ज्यादा लोग दिखेंगे। और जो जिनकी संख्या कमी है, जैसे धानक की संख्या कम है, तो उसके 2-3 लोग दिखेंगे, 1-2 लोग दिखेंगे, तो वो रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। ऐसा तो होगा नहीं कि धानक के 15 लोग वहां बैठ जाएंगे, दैट इज नॉट सपोज टू बी एक्सपेक्टेड, वैलिड पॉइंट है ये ना। बिल्कुल तो जिनकी संख्या ज्यादा है सोसाइटी में वो शेड्यूल कास्ट में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, और जिनकी संख्या कम है वो कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी उनकी संख्या कम है। तो जिनकी संख्या कम है उसमें इलिजिबल कैंडिडेट भी कम रहेंगे। और ये भी मायने रखता है कि क्या वो मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करने तक पहुंचे हैं ऑब्वियसली कि नहीं पहुंचे नहीं। वो हैं। सपोज मान लीजिए कि एक कम्युनिटी, जैसे सपोज हम लोग एक एक्सपेक्ट करते हैं कि एक छोटी कम संख्या में छोटी कम्युनिटी है, कोई शेड्यूल कास्ट की एक्स कम्युनिटी है, उसमें 20 इलिजिबल उस साल में उस डिस्ट्रिक्ट में लोग है, 20 इलिजिबल, तो 20 लोग जो है वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे ना, वहाँ BCA पोस्ट निकल रही है। तो जब वहाँ 20 पोस्ट निकल रही है, हो सकता है 20 जगह पे वो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेस में है, लेकिन आप एक ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको एक ही दिखेगा, और बाकी जो है दूसरे बड़ी जातियों के लोग दिखेंगे, चमार दिखेंगे, फिर हो सकता है आपको रविदासी दिखेंगे, जाटव दिखेंगे,
वहां दिखेंगे, कोई भी दिख सकता है। तो कोर्ट ने ऐसा कोई डेटा नहीं मांगा क्योंकि पंजाब उनके पास डेटा नहीं है। इट इज नॉट ऑन द डेटा, सुप्रीम कोर्ट इज नॉट गोइंग बाय द डेटा, सुप्रीम कोर्ट सेड वेदर यू हैव अ कॉम्पिटेंस टू डू इट और नॉट। अच्छा, ये सिर्फ आपकी शक्तियों पर कि आपके पास संवैधानिक शक्तियां हैं कि नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा कि यू हैव राइट टू डू इट, वी आर नॉट ऑब्जेक्टिंग दैट द स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू डू इट, बट यू डू नॉट हैव पावर अपॉन शेड्यूल कास्ट। ओके, हमारा ये कहना है कि ओबीसी में ऐसा कर सकते और 335 में इस तरह का बैकवर्डनेस नाम की कोई चीज नहीं है, इनएडक्वेसी या प्रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वहां जो है कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस एंड एनेबलिंग पावर नहीं है। 335 जो आरक्षण है वो सीधे सीधे अनकंडीशनल है, लागू करना है तो उसमें जो है वो पावर नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन हो गया बेसिकली। यस, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन एंड दैट इज अ राइट, दैट इज अ क्लेम। 16(4) में जो है वो राइट नहीं है, दैट इज जस्ट ए काइंड ऑफ स्टेट एनेबलिंग अफर्मेटिव एक्शन, वो राइट नहीं है। वो उसको बंद भी कर सकता है लेकिन शेड्यूल कास्ट वाले को नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि इफ पार्लियामेंट वांट्स टू डू इट they will still not be able to do it. क्यों? क्योंकि उसके लिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। पार्लियामेंट सिंपल कानून से नहीं कर सकता, they will have to amend the constitution. So मैंने 4-5 और आर्गुमेंट किए हैं जो हमने लिखित में दिए हैं। हमारा कहना यह है कि ये जो लिस्ट है वो होमोजीनियस क्लास ऑफ पीपल है, दिस आर स्टेट को कॉम्पिटेंस नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है दैट कैन ओनली बी डन बाय द पार्लियामेंट, एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट व्हेन द प्रेसिडेंट While acting under 341, जब प्रेसिडेंट ने एक लिस्ट बनाया है और उन्होंने कहा है ये शेड्यूल कास्ट है, तो स्टेट अलग से कोई एक जाति उठाकर कह सकती है क्या कि ये जाति ज्यादा बैकवर्ड है? Will it not affect the presidential power? जब आप प्रेसिडेंट ने कोई एक चीज बार एक बार कर लिया है, आप प्रेसिडेंट के ऊपर नहीं है, तो will it not undermine the president's power? कि प्रेसिडेंट ने जो एक सेटल्ड कर दिया है, आप उसको अनसेटल करना चाहते हो? So that is a constitutional issue we were discussing in the court. So उस समय court ने मुझे कहा कि आप जो argument कर रहे हैं ये तो हमने 75 साल में जो let down किया सब है, सब खत्म हो जाएगा। तो मैंने क्या करो खत्म, तुम खत्म करने के लिए बैठे हो यहाँ जो wrongly settled है। मैंने उनको कहा कि this is a truth and we cannot rewrite the truth sitting in this court. ये मैंने उनको specifically court में कहा है, हम सब ने सुना वो। हाँ, तो मैंने ये मेरा argument ये है कि जब इंदिरा साहनी केस में आपने ये किया, उसके पहले कि जो है जनरल मैनेजर वर्सेस रंगाचारी केस में आपने ये किया, उस समय इंदिरा साहनी केस क्या है? आपने हमें यहाँ बैकवर्ड में डाल दिया। इंदिरा साहनी केस क्या है? इंदिरा साहनी केस एक सिंपल है कि मोहित है, आप है और मैं हूँ, आपका और मेरा झगड़ा चल रहा है, हम लोग कोर्ट में जाए, सुमित चौहान नितिन मेश्राम का झगड़ा चल रहा है, हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में सुमित चौहान नितिन मेश्राम की केस सुनवाई हुई, उसके ऊपर निर्णय आया, लेकिन निर्णय मोहित के खिलाफ है। ठीक है, आपने हमारी बात को सुनने बगैर हमारे खिलाफ जजमेंट दे दिया। तो शेड्यूल कास्ट के लोग अपीयर भी नहीं हुए, कोई पार्टी नहीं था, तो उन्होंने बहस वहस भी नहीं किया होगा, आर्गुमेंट भी नहीं, कुछ भी नहीं। आई टेल यू दैट क्वेश्चन वाज नेवर बिफोर देम, दे सेड दैट यू नो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन 3 नाम का एक फ्रेम किया उन्होंने, उसमें सब क्वेश्चंस 4-5 थे, उसमें उन्होंने कहा कि हाउ टू आइडेंटिफाई द बैकवर्ड क्लासेस, और शेड्यूल कास्ट इज ऑलरेडी आइडेंटिफाइड कम्युनिटी, वो तो ऑलरेडी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, आप 35 से हम लोग आइडेंटिफाइड है। हम लोग 1936 में जो राजा ने एक ऑर्डर बनाया था इंग्लैंड के, और वो पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड ने पास किया था, उसमें हम आइडेंटिफाइड है। व्हाई डू यू वांट टू अगेन आइडेंटिफाई अस? हमारे आइडेंटिफिकेशन का सवाल पार्लियामेंट के अंडर में आता है, प्रेसिडेंट के अंडर में आता है। वो सेटल्ड हो चुका था कि कैसे शेड्यूल कास्ट की लिस्ट को तैयार किया गया और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया थे। पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में आप देखेंगे तो क्या उनको वो ब्राह्मण को गुरु मानते हैं, क्या ब्राह्मण उनके हाथ का छुआ पानी पीता है, उनको मंदिर में। इट इज टू वे, इट इज टू वे। लोग क्या कहते हैं, कल मुझे प्रोफेसर थोरात फोन कर रहे थे, तो उनका कहना था कि दी फाउंडेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट लिस्ट इज अनटचेबिलिटी। सो आई सेड आई हैव अ पार्शियल डिसेंट ऑन दिस। मैंने उनको कहा कि इट इज नॉट द ओनली फाउंडेशन ऑफ दी अनटचेबिलिटी, इज नॉट द ओनली फाउंडेशन, द स्ट्रिक्टर फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी इज द फाउंडेशन। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट कि जैसे किसी कम्युनिटी को शेड्यूल कास्ट लिस्ट में डालना है कि नहीं डालना है, इसके समय उसने क्या किया कि कुछ कम्युनिटी को बैकवर्ड के तौर पर किसी ने बाहर निकाल दिया है गांव से, दैट कम्युनिटी विल नॉट एंटाइटल फॉर दिस। किसी के ऊपर टेम्पररी अनटचेबिलिटी है
तो दे विल नॉट बी एंटाइटल्ड फॉर दिस। फोर्थ इंपॉर्टेंट फैक्टर उसमें क्या आइडेंटिफिकेशन में कि ब्राह्मण के वो अपना गुरु मानते हैं कि नहीं, मतलब पूजा पाठ उससे करवाते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि उधर से ही नहीं है, मतलब ब्राह्मणों से ही बायकॉट नहीं है, हम लोगों से भी उसका बायकॉट है, इज इट नॉट राइट। सो कुछ कम्युनिटी ऐसी है जो ब्राह्मणों ने इनके ऊपर बायकॉट किया लेकिन इन्होंने ब्राह्मणों का बायकॉट नहीं किया। जैसे हमारे घरों में आज तक कभी भी कोई ब्राह्मण के हाथों से कोई कर्मकांड नहीं होता, ना ब्राह्मण हमारे घर हम नहीं आने देते, वो आना चाहता हो सकता है, करवाते ही नहीं है, हम लोग नहीं आने देते। तो ये जो फाउंडेशन ऑफ दिस लिस्ट ही ना कि ये लोग आने देना चाहते है कि नहीं आने देना चाहते, सो दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। तो इसीलिए मेरा ये कहना है कि लिस्ट मतलब जो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है उस चीज को आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि इसका आइडेंटिफिकेशन और चर्च करना है। बट ये तो उसकी कहें कि संवैधानिकता पर बहस होगी कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं है, लेकिन ये मांग जायज है कि नहीं, क्या सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मुझे लगता है कि हम लोग आरक्षण के बंटवारे को लेकर एक कॉन्फ्रेंसिव डिबेट करना चाहिए इस देश में। द रीजन आई एम टेलिंग यू कि जिनको लगता है कि आरक्षण का बंटवारा होना चाहिए वो लोग हमको ये बात बताए कि आरक्षण का बंटवारा यदि होता है सपोज तो जो लोग आप सो कॉल्ड ये कहते हैं कि जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए उनको बेनिफिट मिलेगा क्या? उनको बेनिफिट मिलेगा क्या? क्योंकि 70 सालों से यदि उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो ऑल ऑफ अ सडन उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा क्या? विल दे बी एबल टू कम्पीट फॉर द पोस्ट व्हिच आर बियॉन्ड देयर कॉम्पिटेंस, क्योंकि हमने उनमें कैपेबिलिटीज बिल्ड नहीं किया है। जब हम लोगों ने उनमें इतनी कैपेबिलिटीज नहीं बिल्ड किया तो उनको बेनिफिट होगा क्या? ये एक इंपॉर्टेंट, एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि ये जो एससी कम्युनिटी का रिजर्वेशन किसी एक जाति को नहीं मिला है, ये किसी इंडिविजुअल का नहीं है जी, ये एक समूह का मिला है। आप समूह के पार्ट है, समूह को जब मिला हुआ है तो आपको वो उसका बेनिफिट लेना चाहिए, और उसके लिए जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई सारी स्कीम्स हैं। तो उस स्कीम्स में यदि आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो शायद हो सकता है कि आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है, बट देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ आई एम कमिंग टू ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ चेक्स एंड बैलेंसेस आर वर्किंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। यू विल सी दैट कि जिन लोगों के ऊपर आरोप है, जिन कम्युनिटीज के ऊपर कि ये सारा का सारा आरक्षण सर्विसेस में खा जाते हैं, उन कम्युनिटीज का इस देश में कोई भी आदमी मेंबर पार्लियामेंट नहीं रहता है। और जिन लोगों के लोग आरक्षण नहीं खा रहे हैं वो सब लोग पार्लियामेंट में मेंबर हैं और उन कम्युनिटीज के मेंबर हैं, और आप देखेंगे कि वो लोग मिनिस्टर बनते हैं, वो लोग एमएलए बनते हैं, वो एमपीज बनते हैं। तो इस कम्युनिटी ने क्या ये बोलना चाहिए कि वो लोग तो पार्लियामेंट में रहते हैं, सो दैट मींस सो दोज हु आर नॉट एबल टू गेन द एडवांटेज ऑफ दिस services education reservation in services they are getting the advantage in political reservation. And that is okay. a more better reservation तो वहां से वो एडवांटेज ले रहे। तो इस देश में उस कम्युनिटी को जो है गवर्नमेंट की कई सारी फैसिलिटीज का फायदा मिल रहा है अदर देन द सर्विसेज, तो वहां वो एडवांस कर रहा है। बट इसमें जैसे एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई मान लिया कोई जॉब है, कोई नौकरी निकली है और उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि उसमें ग्रेजुएट बंदा होना चाहिए, और अगर किसी कम्युनिटी में जिसका हम जिक्र करें कि वो ज्यादा मार्जिनलाइज है उसका व्यक्ति अगर ग्रेजुएट है ही नहीं तो वो ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं हो जाएगा। तो हमको उसको ज्यादा ज्यादा सुविधाएं देनी चाहिए, चाहे उसके लिए अच्छे से हॉस्टल खोलें, अच्छे स्कूल सर्विस बना सकते हैं, कोई अच्छे से स्कॉलरशिप स्कीम्स ला सकते हैं। तो क्या पर्टिकुलरली ये सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ज्यादा बेनिफिशियरी काम करें उनके लिए? और उसके ऊपर जो उसका बजट है उसको भी वो किसी और कामों में खर्चा कर देता है, सड़क बना लिया, स्टेडियम बना लिया, कुछ भी बना देता है। जैसे अभी लातूर का एक मेंबर पार्लियामेंट था, उसका भाई का वकील था मैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उसने एससी फंड से एक झंडा खड़ा कर दिया है, और झंडा खड़ा करने के लिए जो है वो 31 लाख रुपए का खर्चा आया है। तो उसको हमने सवाल पूछा कि ये तो एससी कंपोनेंट प्लान का पैसा तुमने इस्तेमाल किया? तो डीएम कह रहा है कि झंडा सबका ही है। अच्छा। और उसके ऊपर जो है डीएम के साथ में सांसद का जो है बहुत वाद विवाद हो गया, तो कह रहा है कि ये तो झंडा सबका है। तो इस तरह से उस कंपोनेंट प्लान का मिसयूज होता है। आपको मैं सच बता रहा हूँ कि जो कम्युनिटीज एडवांटेज ले रही होगी ये जी रिजर्वेशन का, तो वो कम्युनिटीज गवर्नमेंट के भरोसे पे नहीं ले रही है।
इसलिए यदि आपको लगता है कि बहुत वीकर कम्युनिटीज को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो गवर्नमेंट ने इसका कंपोनेंट प्लान जो है वो सही तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहिए, सही तरीके से। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्कूल्स जो है दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट्स इन बिल्डिंग कैपेबिलिटीज। तो गांव गांव में जो स्कूल बनी है वो बहुत बेहतरीन स्कूलें होनी चाहिए, इंग्लिश एजुकेशन की स्कूलें होनी चाहिए, वहाँ हर तरह की फैसिलिटीज होनी चाहिए। और वो हर तरह की फैसिलिटीज होने के बाद मुझे लगता है कि वहां से हम लोग कैपेबिलिटीज बिल्डिंग कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि 91 के बाद में ये फिनोमिना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 91 के बाद में ये फिनोमिना बहुत एडवांस लेवल पर है। और आप देखेंगे कि ये कम्युनिटीज के लोग जो पिछड़ गए होंगे आज देश के बहुत बड़ी बड़ी संस्थान में बड़े अधिकारी पद पर है, बहुत बड़े संस्थान पर। सो आप देखेंगे कि ये जो यदि आप सर्वे करेंगे तो आपको फैक्टर कुछ डिफरेंट दिखाई देगा। तो एक तो पहले तो डेटा होना चाहिए कि डेटा ही नहीं है, आपको पता चले कि कौन सी कम्युनिटी के लोग कितने, उनकी संख्या कौन से विभाग में है, कहाँ पर है, तो ताकि हमारी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बन सके। क्योंकि लोग कहते हैं, देखिए मेरे पूरे परिवार में कोई आदमी नहीं है जिसने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, इवन मैं भी कोई रिजर्वेशन का, हो सकता है मेरी पूरी नेक्स्ट जनरेशन उसका रिजर्वेशन का बेनिफिट ना ले। हम लोग स्टांस सपोर्टर है, इसका बहुत हम लोग समर्थन करते हैं, लेकिन ये कम्युनिटी का देखिए कि हम लोगों ने नहीं लिया है। जो थोड़ा बेनिफिशियल हो रहे हैं वो गिव अप भी कर रहे हैं, वॉलंटरीली है वो, नहीं नहीं इट्स नॉट गिविंग अप। हो सकता है हम लोग इलिजिबल ही नहीं है, हम लोग वहाँ इलिजिबल ही नहीं है, वो या फिर वो चांस मेरे जिंदगी में नहीं आया। नहीं, ये एक वैलिड पॉइंट है, क्योंकि हम भी जैसे हमारे केस में देखें कि मेरे पिताजी को चपरासी की नौकरी आरक्षण की वजह से मिली थी, लेकिन उस चपरासी की नौकरी से जो मुझे पढ़ाई लिखाई करने का मौका मिला, पढ़ने का मौका मिला, अब मैं जहाँ प्राइवेट चैनलों में काम करके आया वहाँ कोई रिजर्वेशन नहीं था। तो मैंने अपने करियर में, नौकरी में कभी रिजर्वेशन नहीं आई चली, मेरे पिताजी नागपुर में, अभी हमको जरूरत नहीं है, हम उससे आगे बढ़ गए, तो हमने कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लिए वो छोड़ा है वो, कि आप उसका फायदा लीजिए। मेरे पिताजी नागपुर में रिक्शा चलाते थे, साइकिल रिक्शा, तो मेरे पिताजी जब साइकिल रिक्शा चलाते थे तो उनको वहां कुछ बेनिफिशियल नहीं लगा, तो वो गढ़चिरौली डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एक बहुत पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो वहां माइग्रेट हो गए और वो मजदूर थे, ठीक है। अब मजदूरी करते समय वो कैपेबिलिटीज बिल्डिंग नहीं हुआ उनके बीच में, ठीक है, तो उसकी वजह से मेरे परिवार ने किसी ने आरक्षण का बेनिफिट नहीं लिया, नहीं हो पाया, वो संभव नहीं हो पाया, ठीक है। तो मैं जिस क्षेत्र में आया उस क्षेत्र में तो ऑलरेडी आरक्षण नहीं है, और वहां तो बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जातिवाद है, है ना, जातिवाद के अड्डे है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, है ना, यहाँ जज जातिवाद करता है, यहाँ रजिस्ट्री के लोग जातिवाद करते हैं, है ना, जजों की नियुक्ति में जातिवाद होता है, तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम लोगों का आरक्षण नहीं है। ये काफी इंटरेस्टिंग डिबेट है, मुझे लगता है हमको और ज्यादा बात करने की जरूरत है ताकि हम इस पे अपना ओपिनियन बना सकें, क्योंकि बहुत जरूरी मसला है, सेंसिटिव भी मसला है। ये जो आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं कि जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में कम्युनिटीज पिछड़ गई हैं उनको ज़्यादा फायदा पहुँचाओ, और जो जिनको फायदा पहुँच चुका है, जो मिल चुका है जिनको फायदा, उनको अब हटाओ, तो ये क्रीमी लेयर की तरफ तो नहीं बढ़ रहा है कि सारा का सारा डिबेट आगे चल के सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने, ये सब इंदिरा साहनी की प्रॉब्लम है। इंदिरा साहनी ने बिना सुने हमारे खिलाफ फैसला दिया, कहा कि सब क्लासिफिकेशन हो सकता है, तो स्टेट्स का कहना यह है और राज्यों का भी, और फिर एक जरनाइल सिंह जजमेंट में वहां आर्गुमेंट हुआ है कि जब आप ओबीसी का क्रिमिनल लगा सकते हो तो ओबीसी कम्स अंडर द बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजंस अंडर 16 क्लास 4, तो एससी में कैसे नहीं हो सकता है, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजंस, तो उसकी वजह से इनका भी हो सकता है क्रिमिनल। तो ये इंदिरा साहनी की प्रॉब्लम, इंदिरा साहनी की प्रॉब्लम है, क्रीमी लेयर है कि नहीं। हमारा जो आरक्षण है एससी का, दैट इज अनकंडीशनल, उसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, एंड दैट इज नॉट बिकॉज वी आर बैकवर्ड्स, वी वेर दिस डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन द सोसाइटी, वी वेर माइनॉरिटीज, वी वेर नॉट बैकवर्ड्स, वी वेर नॉट पुअर, दो वी आर पुअर एंड वी आर बैकवर्ड, बट फॉर दैट पर्पज वी वेर नॉट बैकवर्ड एंड पुअर, इसकी वजह से हमको वो आरक्षण मिला, वो अनकंडीशनल है। ये आर्गुमेंट अब तक सुप्रीम कोर्ट में अभी तक नहीं हुआ है, और जब हमने आर्गुमेंट करने की कोशिश किया तो मुझे लगता है कि वो दे वेर वेरी सरप्राइज्ड बाय इट, उनको लगा कि ये हो सकता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि दैट काइंड ऑफ आर्गुमेंट विल आल्सो बी मेड बिफोर द कोर्ट, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, सच्चाई को आपके कब तक ढक कर रखेंगे, सूरज तो एक दिन उगना है। तो आपने क्योंकि आर्ग्यूमेंट भी किया, मैं आखिरी सवाल ले रहा हूँ बातचीत में, आगे हम
फिर आपसे मैं चाहूंगा कि किसी दिन हम बैठें और इस पर बात करें। ये अब इस केस में फैसला क्या आने वाला है, कुछ प्रेडिक्शन आपकी कि किस तरफ माहौल है? आर्ग्यूमेंट्स तो आपने देखे होंगे, बाकी का भी सुना होगा, क्या माहौल बन रहा है? इस क्लासिफिकेशन की तरफ जाएंगे या उसको वो रद्द कर देगा सुप्रीम कोर्ट? डिपेंड करता है कि इस बीच में सोसाइटी कैसे रिएक्ट करता है, क्योंकि जजमेंट जब लिखे जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि जजेस ब्लाइंड हैं या डेफ हैं। दे आर ऑल्सो हियरिंग फ्रॉम दी सोसाइटीज, कंट्री, इधर उधर से सुन तो रहे हैं। सो दैट दोज थिंग्स ऑल्सो मेक डिफरेंस। ऑफकोर्स मतलब इन चीज़ों का कोई समर्थन नहीं किया जा सकता कि आप कोर्ट के जजमेंट्स को इन्फ्लुएंस करो एक्सटर्नल फैक्टर से, ऐसा नहीं होता है, लेकिन दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क्स। ठीक है, तो सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है इन चीज़ों को, आई थिंक दैट विल आल्सो मेक अ डिफरेंस ऑन दिस। तो देखते हैं, परसों के दिन मैं जा रहा हूँ हैदराबाद, वहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है इसको लेकर, और आई थिंक उसके बाद विशाखापट्टनम एक कॉन्फ्रेंस है। तो है, लोग कोशिश कर रहे हैं एक कि डिबेट बन गया है डिबेट बने समाज में, इसके लोग ऊपर, एक डिबेट ओपिनियन बने। शेप करने की कोशिश कर रहे हैं, आप क्योंकि इन, बहुत ये एक्चुअली लोग दे आर वेरी कंफ्यूज्ड। लोगों का बहुत कंफ्यूजन है कि 16-4 तो फंडामेंटल राइट है, ये एक लोगों में एक किसी ने एक मिस इंफॉर्मेशन फैला दिया है कि 16-4 तो फंडामेंटल राइट है। नितिन मेश्राम तो कह रहा है कि 335 है वहाँ हमारा, तो वो तो फंडामेंटल राइट नहीं है। सो व्हेन यू हैव, बाबा साहब ने जब खुद ही लिखा है 335, तो आप बाबा साहब से तो ज़्यादा होशियार हो नहीं। ठीक है, और 16-4 तो फंडामेंटल राइट नहीं है। जब 16-4 फंडामेंटल राइट था तो ओबीसी का आरक्षण 1950 में क्यों नहीं लागू हुआ? इज इट नॉट? सही या बात। फिर आपका आरक्षण रिजर्वेशन इन प्रमोशन वहां पे क्यों नहीं है? रिजर्वेशन इन प्रमोशन के लिए अलग से फिर जो है अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में इंदिरा साहनी के जजमेंट के बाद, यदि आपका फंडामेंटल राइट है तो? और यदि फंडामेंटल राइट है तो भी बैकवर्डनेस क्यों है वहां? वहां इनेट केसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन क्राइटेरिया क्यों है? वहां फिर कंपेलिंग सरकमस्टेंसेस और स्टेट का विल क्यों वहां इन्वॉल्व है? फंडामेंटल राइट्स आर सपोज टू बी इंप्लीमेंटेड एज इट इज, है ना? थ्रेशोल्ड, जैसे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उस उस दिन दिन लागू तो होना लागू चाहिए। करो। तो हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो हमारा लागू हो गया जिस दिन संविधान लागू हुआ उस दिन, और उसके पहले भी हम लोगों का था। तो पीपल हैव टू मेक ए वेरी नाइस जजमेंट अबाउट दिस कि कॉन्स्टिट्यूशन, मुझे लगता है कि हमारा सोसाइटी अभी संविधान से उसको समझने में बहुत लंबा दूर है, उन लोगों को नहीं आता है। ये मुझे लगता है कि अभी हम सब कहीं ना कहीं अपने ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक अभी समझ बन रही है इस बारे में, डिबेट समाज में हो रही है कि क्या सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए, क्योंकि कई जातियां विद इन कम्युनिटी ऐसा कह रही हैं कि उनको आरक्षण का फायदा नहीं मिला है। हमें उनकी भी बात सुननी होगी और हमें कानून संविधान के भी पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। तो बहुत बहुत थैंक शुक्रिया यू, वकील साहब कि थैंक आपने यू, अपना थैंक यू वक्त सर, दिया, थैंक यू। और मुझे उम्मीद है मेरे दर्शकों को भी इससे अपना समझ बनाने में आसानी हुई होगी। जो एडवोकेट नितिन मेश्राम ने अपने तर्क दिए हैं, जो इनके आर्ग्यूमेंट है, उस पर आप क्या सोचते हैं? सब क्लासिफिकेशन को लेके आपके क्या ओपिनियन हैं? क्या आपको लगता है कि क्या विद इन SC ST कम्युनिटी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप और हम सब मिलकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। आपसे ये भी अपील है कि वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा संख्या में लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। इस बातचीत पर अभी यही विराम लगाते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में इस अहम मसले पर हम सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई और सुनवाई पर भी अपनी नज़र रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके लिए कुछ ऐसी ही दिलचस्प बातें लेकर आएं। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे मेरे सहयोगी मोहित कुमार। फिर मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज पीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।